हरिद्वार के जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने खानपुर पहुंचकर ब्लॉक कार्यालय परिसर में रीप द्वारा नवनिर्मित सिंघाड़ा प्रोसेसिंग प्लांट का निरीक्षण किया और प्लांट के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान जिलाधिकारी ने यह बताया कि इस प्लांट को किसानों की आय बढ़ाने और क्षेत्रीय स्तर पर सिंघाड़ा प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि ये प्लांट न केवल किसानों की आय को दुगना करने में मदद करेगा बल्कि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाएगा। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि स्थानीय उत्पादों को बाजार में नई पहचान दिलाने के लिए ये योजना परियोजना मील का पत्थर साबित होगी। वही बता दें कि निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने किसानों और स्थानीय उद्यमियों से संवाद करते हुए उन्हें इस योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया है। बता दें कि इस अवसर पर लश्कर SDM गोपाल सिंह चौहान, ब्लॉक विकास अधिकारी, रीप परियोजना के अधिकारी समेत स्थानीय किसान भी मौजूद रहे। लश्कर से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट। ब्लॉक में रीप के अंतर्गत सिंघाड़ा प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जा रहा है, उसी का निरीक्षण करने हम आए थे यहाँ पे। और बेसिकली खानपुर इलाके में भारी पैमाने पे सिंघाड़े का उत्पादन होता है, लेकिन किसानों को सही दाम नहीं मिल पाता। सामान्य सीजन में 20 से 25 रुपये बिकता है और लीन सीजन जब होता है तो 100 रुपये बिकता है। किसानों को सही दाम मिल सके, क्योंकि मार्केट में आप लोग भी देखते हैं 100 रुपये 150 रुपये बिकता है, सही दाम मिल सके इसके लिए ज़रूरी है कि सिंघाड़े को प्रोसेस करके पैक करके बेचा जाए ताकि किसानों को भी सही दाम मिल सके। तो इसलिए यहाँ पर ये प्लांट लगाया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि यहाँ पर लगभग 35 किसान और 200 बीघे ज़मीन में 6000 सिंघाड़ा प्रतिवर्ष 6000 क्विंटल सिंघाड़ा प्रतिवर्ष पैदा करते हैं, जो जैसा कि मैंने पहले बताया सही दामों पर नहीं बिक पा रहा है। प्रोसेसिंग प्लांट लगने से ये फ़ायदा होगा कि उसको आटे में चेंज कर पाएंगे और आटे में चेंज करके सेलअप के माध्यम से इसको विपणन किया जाएगा। तो किसानों को जो अभी 10-20-25 रुपये मिल रहा है उनके लिए मिनिमम रेट 35 रुपये रखा गया है कि कोई भी सीजन हो 35 रुपये कम से कम उनको मिल पाए, और जो भी मार्केट में बेचने के बाद जो लाभ होगा सेलर को उसका 25% डिविडेंड के रूप में दोबारा किसानों को दिया जाएगा। तो किसानों की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए, उनके जो उनकी फसल है उसको सही दाम दिलाने के लिए ये व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। तो इसी का निरीक्षण करने के लिए हम यहाँ पर आए थे और ये रीप के अंतर्गत बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है। अभी जा रहे हैं, फील्ड भी देखेंगे, थोड़ा लोगों से मिलेंगे, किसानों से मिलेंगे।